नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अंकट। तो क्या 7 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की जीत हो गई है? क्या तीनों ने कृषि कानून जो भारत सरकार लेकर आई थी उन सबको भारत सरकार ने खुद अपने हाथों से ही दफन कर दिया है, जमींदोज कर दिया है? क्या इन 3 कृषि कानूनों का अब कभी पालना होगी ही नहीं? क्या सरकार खुद समझ गई है कि 3 कृषि कानूनों में से एक कानून तो ऐसा था जो खुद सरकार के गले की फांस बन गया था? अच्छा हुआ जो ये कानून लागू नहीं हुआ, नहीं तो गले की फांस और बन जाता। ये कुछ बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अचानक मूंग की दाल को छोड़कर बाकी की दालों पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट लागू कर दिया है। और ये पुराना एक्ट है जिसे सरकार ने संशोधित किया था। पुराने एक्ट के तहत अब जो खुदरा व्यापारी हैं वो 5 टन से ज़्यादा दाल का स्टॉक नहीं रख पाएंगे और जो होलसेल यानी थोक के व्यापारी हैं वो 200 टन से ज़्यादा दाल का स्टॉक नहीं कर पाएंगे और जो मिल मालिक हैं, जो दाल मिल मालिक हैं, उनके लिए भी स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। आप कहेंगे ऐसा सरकार ने क्यों किया? ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि सरकार को महंगाई बढ़ने की आशंका थी। मानसून ठहर गया है, खरीफ की फसल के लिए जो बुआई है वो काम थोड़ा अटका है, खाने के तेल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपये पार कर गए हैं कुछ जगह तो, और बाकी LPG गैस सिलेंडर के भाव भी अभी बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को डर था कि महंगाई और बढ़ सकती है, तो कम से कम दलहन के क्षेत्र में स्टॉक सीमा लागू की जाए। अब अगर नया कृषि कानून लागू होता जो ये कहता है कि स्टॉक सीमा खत्म कर दी जाती है, जिसके तहत खत्म कर दी गई है, और सिर्फ अकाल पड़ने की स्थिति में, बहुत भारी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ही आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू किया जा सकता है। और इसके अलावा कब लागू किया जा सकता है? जब किसी चीज के भाव पिछले 1 साल के अंदर 50% बढ़ गए। अब तिलहन के भाव यानी तेल के भाव, चाहे सोयाबीन का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, उसके भाव तो 50% से ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है दाल के भाव पर, और दालों के, चाहे चने की दाल हो चाहे दूसरी दाल हो, इसके भाव पिछले 1 साल में 22-23% ही या ज्यादा से ज्यादा 25% ही बढ़े हैं, 50% से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो अगर पिछला कानून नहीं होता और नया कानून होता जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, तो सरकार चाहकर भी दाल के स्टॉक सीमा नहीं कर पाती क्योंकि दाल के भाव 50% से ज्यादा नहीं बढ़े हैं, जो कि भारत सरकार का नया कानून ही कहता है। तो अब इसका क्या अंदाजा निकाला जाए? आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टे दे रखा है तो नए कानून अमल में नहीं है, तो इसलिए सरकार को जरूरत पड़ी तो पुराना कानून लागू कर दिया। लेकिन पुराना कानून, फिर मैं कह रहा हूं कि इसलिए लागू कर दिया क्योंकि सरकार दलहन के भाव बढ़ाने की स्थिति में थी पुराने कानून के तहत। नए कानून अगर लागू हो जाता तो सरकार मुसीबत में फंस जाती। फिर मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि दाल के दाम 50% से ज्यादा नहीं बढ़े हैं और दाल की स्टॉक सीमा सरकार निर्धारित नहीं कर पाती। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये मतलब निकाला जाए कि किसान जीत गए हैं? क्या तीनों कृषि कानून हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए हैं? क्या सरकार अब तीनों कृषि कानूनों पर अमल नहीं करेगी? ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सरकार को खुद लगने लगा है कि नए 3 कानून में से कम एक कानून उसके गले की फांस बन जाता अगर वो लागू होता तो। 2 कानून दूसरे क्या थे? दूसरे 2 कानून थे कि अनुबंध पर कृषि की व्यवस्था को पुख्ता करना और मंडियों से बाहर भी कृषि जिन्सों का व्यापार हो सके, खरीदी हो सके, उसका बेचान हो सके इसकी व्यवस्था करना। कुल मिलाकर सरकार और जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके बीच में 7 महीने से आंदोलन चल रहा है और फरवरी के बाद से बातचीत रुकी हुई है। अंतिम विकल्प सरकार ने ये दिया था कि अगर किसान बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो 18 महीने तक के लिए किसानों के हक में 3 कृषि कानूनों के अमल पर सरकार खुद अपनी तरफ से रोक लगा देगी। आज की तारीख में भी रोक लगती है तो ये दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक जाता है।
तब तक 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट चुके होंगे। 2023 में फिर उत्तर भारत के जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ जैसे इम्पोर्टेंट राज्य हैं, इनके अलावा भी हिमाचल है, दूसरे राज्य उत्तर भारत के राज्य हैं, वहाँ पर चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान के साथ सरकार भले ही समझौता नहीं करे, वो उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, लेकिन सरकार चाह रही थी कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे इन कानूनों पर अमल करने की जरूरत भी ना पड़े और सरकार झुकती हुई भी ना दिखाई दे। तो मोटे तौर पर जो स्टॉक सीमा नए सिरे से निर्धारित की गई है, जो पुराना आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लागू किया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है, उससे यही जाहिर होता है कि सरकार पूरी तरह से किसान आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है और सरकार को इसी के बीच में आपदा में राहत की बात बार बार कही जाती है, तो इसमें खुद के लिए एक राहत मिल गई है कि नया कानून होता तो वो दाल के दाम पर दाल की स्टॉक सीमा निर्धारित नहीं कर सकती थी। तीसरी बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि दालों के दाम 50% से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 22-23-25% ही बढ़े हैं। तो सरकार के लिए पुराने कानून ही राहत लेकर आए हैं, नए कानून तो और गले की मुसीबत बन जाते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।